निकोला टेस्ला थॉमस एडिसन एक ही साथ काम करते थे, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि निकोला टेस्ला को वहाँ से जाना पड़ा? और क्या सच में निकोला टेस्ला ने ही रेडियो का आविष्कार किया था? ऐसा क्या हुआ था कि निकोला टेस्ला डिप्रेशन में चले गए थे और उनको अकेलापन काफी अच्छा लगता था? दोस्तों, इस वीडियो में आप निकोला टेस्ला के बारे में कुछ अनसुने तथ्य जानने वाले हो, तो इस वीडियो को अंत तक देखना। चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं निकोला टेस्ला के बारे में, जिन्होंने साइंस की दुनिया में ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट किए जिन्हें देखकर लोग हैरान हो गए। यूं कहे तो साइंस की दुनिया में निकोला टेस्ला की एक अलग ही पहचान है। दोस्तों, निकोला टेस्ला सदी के उन गिने चुने महान वैज्ञानिकों में से एक थे जिन्होंने मानव जाति के पूरे इतिहास को बदल कर रख दिया था। निकोला टेस्ला का जन्म 10 जुलाई 1856 को क्रोएटिया में हुआ था। टेस्ला बचपन से ही अपने स्कूली दिनों में पढ़ाई करने में काफी अच्छे थे। ये मैथमेटिक्स के कठिन से कठिन सवाल को भी अपने मन में ही हल कर लेते थे। सन 1875 में निकोला टेस्ला ने एक पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लिया। दोस्तों, वहाँ पर निकोला टेस्ला ने एग्जाम में 9 बार टॉप किया और अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद निकोला टेस्ला ने कई जगहों पर काम किया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि निकोला टेस्ला ने थॉमस एडिसन के पास भी काम किया था। निकोला टेस्ला ने थॉमस एडिसन के कई आविष्कारों में काफी ज्यादा मदद की थी और इसी दौरान एडिसन ने टेस्ला को अपने जनरेटर और मोटर को अच्छा बनाने का चैलेंज दिया। और हैरानी की बात तो ये है कि एडिसन ने टेस्ला से कहा, अगर आप ऐसा कर पाते हो तो हम आपको कई हजार डॉलर देंगे। और वहीं जब टेस्ला ने इस कार्य को पूरा कर दिया तो एडिसन अपने बात से मुकर गए, मतलब उन्होंने हजारों डॉलर देने से इनकार कर दिया। और इस वजह से निकोला टेस्ला और एडिसन में बहस हो गई, जिसके बाद निकोला टेस्ला ने उनके यहाँ से रिजाइन दे दिया। और यहाँ पर इन्होंने इस सदी की सबसे बड़ी खोज की, जिसे आज हम एसी करंट के रूप में जानते हैं, क्योंकि इसकी मदद से करंट को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जा सकता था। वहीं दूसरी तरफ थॉमस एडिसन डीसी करंट के प्रणाली के पक्ष में थे। इसके बाद इन दोनों के बीच एसी और डीसी का वार शुरू हो गया और आगे चलकर एसी डीसी का ये वार साइंस की दुनिया का सबसे फेमस वार बन गया, जिसका नाम है द एसी डीसी वार। ये बात अलग है कि इस वार में जीत निकोला टेस्ला की हुई थी। दोस्तों, टेस्ला ने अपने जीवन में कई बड़े आविष्कार किए थे, जैसे टेस्ला कॉइल्स, विद्युत से चलने वाला मोटर, एक्सरे टेक्नोलॉजी, रेडियो, एसी करंट। टेस्ला ने ऐसे तमाम महत्वपूर्ण खोजें की थी। मुझे पता है कि आप में से ज्यादातर लोग यही सोचते होंगे कि रेडियो की खोज मार्कोनी ने की थी, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि रेडियो की खोज मार्कोनी नहीं बल्कि निकोला टेस्ला ने ही किया था, क्योंकि मार्कोनी के रेडियो आविष्कार को अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने अमान्य ठहराया था। ये बात शायद बहुत कम लोगों को पता है। दोस्तों, निकोला टेस्ला बहुत सारी किताबें पढ़ते थे। आपको बता दें कि उनके पास 8 भाषाओं का ज्ञान था। उनके दिमाग में चीजों को याद रखने में गजब की क्षमता थी। निकोला टेस्ला के अकॉर्डिंग उन्होंने एक ही बार में प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों देख लिया था। और इसके अलावा निकोला टेस्ला ने अपने जीवन में हैरान कर देने वाली कई भविष्यवाणियां भी की थी, जिनमें से कुछ भविष्यवाणियां एकदम सत्य हुई थी। हालांकि ये बात सच है कि निकोला टेस्ला के जीवन के अंत में उनके कुछ एक्सपेरिमेंट असफल भी हुए, जिसके वजह से निकोला टेस्ला डिप्रेशन में भी चले गए। उन्होंने सबसे मिलना जुलना बंद कर दिया और उनको अकेलापन अच्छा लगने लगा। और सन 1943 में इस महान वैज्ञानिक का निधन। आइए अब जानते हैं निकोला टेस्ला से जुड़े कुछ अनसुने तथ्य। दोस्तों, निकोला टेस्ला ने कई बड़ी वैज्ञानिक खोजें की जिनका श्रेय उनको कभी नहीं मिला। और उससे भी बड़ी हैरानी की बात यह है कि इतना कुछ करने के बाद भी इस महान वैज्ञानिक का जीवन गरीबी में ही बीता। नेक्स्ट, टेस्ला ने भविष्य के वायरलेस टेक्नोलॉजी के लिए मंच तैयार किया था और 300 से अधिक पेटेंट रजिस्टर्ड किए थे। और इसके अलावा उन्होंने कई आविष्कारों की कल्पना भी की थी। क्या आप जानते हो कि निकोला टेस्ला को अल्टरनेटिव करंट यानी कि एसी करंट के जनक के रूप में जाना जाता है? दोस्तों, आज भी ये माना जाता है कि निकोला टेस्ला के जीवन में बहुत कुछ अज्ञात है, मतलब निकोला टेस्ला का जीवन एक रहस्यमय जीवन था। इनके आविष्कारों ने आज की नई टेक्नोलॉजी के लिए एक नया रास्ता बनाया है। दोस्तों, कहा जाता है कि निकोला टेस्ला का जीवन काफी रहस्यों से भरा था। वो बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सन थे। नेक्स्ट, निकोला टेस्ला का जन्म 10 जुलाई 1856 को क्रोएटिया में हुआ था, जो कि ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य का एक हिस्सा था। टेस्ला के पिता एक पादरी थे और उनकी माता घरेलू उपकरण की आविष्कारक थी। कहा जाता है कि जिस रात टेस्ला का जन्म हुआ उस रात बिजली का तूफान आया था। नेक्स्ट, निकोला टेस्ला ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की ऑस्ट्रिया के ग्राज टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में। क्या आपको पता है कि ग्राज में पहली बार टेस्ला ने ग्रामे डायनमो को देखा था, जिसे जनरेटर के रूप में संचालित किया जा सकता था, और जब इसे उलट दिया जाता था तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक मोटर बन जाता था। और इसी वजह से निकोला टेस्ला ने एसी करंट को इस्तेमाल करने का एक तरीका सोचा। नेक्स्ट, निकोला टेस्ला 1882 में कॉन्टिनेंटल एडिसन कंपनी के लिए पेरिस काम करने गए और 1883 में टेस्ला एक असाइनमेंट के लिए स्टारबक्स गए, जहां उन्होंने घंटों काम करने के बाद अपना पहला इंडक्शन मोटर का निर्माण किया। और उसके बाद टेस्ला 1884 में अमेरिका चले गए। वहां न्यूयॉर्क में उनके जेब में सिर्फ 4 सेंट और कुछ कविताएं और उनके पास कुछ उड़ने वाली मशीनों की गणनाएं थी। क्या आपको पता है, थॉमस एडिसन के साथ जब उनको पहली बार रोजगार मिला तब ये दोनों आविष्कारक एक दूसरे के तरीके से काफी अलग थे। नेक्स्ट, निकोला टेस्ला ने इलेक्ट्रिक लाइट, इलेक्ट्रिक मोटर, रेडियो, एक्सरे, रिमोट कंट्रोल, रेडार, वायरलेस में कई काम किए थे। टेस्ला ने अपनी
पसंदीदा ट्रांसफार्मर टेस्ला कॉइल भी बनाया था, जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हो। दोस्तों, दुख की बात यह है कि उनके कई आविष्कारों के मामलों में उनके योगदान को ज्यादा मान्यता नहीं मिली। नेक्स्ट, दोस्तों टेस्ला काफी अलग आदमी थे, जिनकी वजह से उन्हें जर्म फोर्ड के नाम से भी जाना जाता था। आपको बता दें कि टेस्ला के जीवन में उनका एक नियमित कार्यक्रम था, जैसे वो रोज एक ही टेबल पर खाना खाते थे और कहा जाता है कि वो रात में सिर्फ 2 घंटे सोते थे। टेस्ला को हर रात अपने डाइनिंग रूम को पोंछने के लिए 18 नैपकिन की जरूरत पड़ती थी और टेस्ला अपने हर डिनर में एक सफेद रंग का दस्ताना पहनते थे। नेक्स्ट, 1901 में टेस्ला के दिमाग में स्मार्टफोन बनाने का विचार आया था। दोस्तों, कार्लसन के अनुसार टेस्ला के पास बड़े ही एक अच्छा दिमाग था, लेकिन वो अपने विचारों को व्यवहार में लाने में अच्छे नहीं थे। नेक्स्ट, टेस्ला मई 1899 से 1900 की शुरुआत तक कोलोराडो में रहे, जहां उन्होंने अपनी सबसे महत्वपूर्ण खोज की, जिसका नाम है टेरेस्ट्रियल स्टेशनरी वेव्स। दोस्तों, टेस्ला की इस खोज ने यह साबित कर दिया कि अर्थ को कंडक्टर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको बता दें कि टेस्ला बिना तारों के 40 किलोमीटर की दूरी तक लगभग 200 लैंप जलाए थे और मानव द्वारा निर्मित प्रकाश व्यवस्था बनाई। लेकिन दोस्तों, दुख की बात यह है कि आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से निकोला टेस्ला का कुछ सपना सपना ही रह गया, उनके विचार उनकी डायरी में ही दबकर रह गए। सन 1917 में निकोला टेस्ला को एडिसन मेडल से सम्मानित किया गया था।